कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली ब्यूटी ब्लेंडर से रिलेटेड कुछ बातें। ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से पहले, यूज करते समय, यूज करने के बाद कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वही हम बातें करेंगे। तो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज करें, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले हमें क्या करना होता है। तो कोई भी अगर नया आपने ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा है तो उसे आप वॉश करते ही हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले भी आपको ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डिप करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी भी। तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है कई तरीके के आते हैं, कुछ इस शेप में भी आते हैं, इस तरीके की शेप भी होती है, इसकी भी होती है, और छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर भी आते हैं ऐसे शेप में। तो ब्यूटी ब्लेंडर को फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए कैसे यूज करें, उससे पहले हमें ब्यूटी ब्लेंडर को तैयार करना होता है। जैसे हम अपनी स्किन को मेकअप करने से पहले प्रेप करते हैं, उसी तरीके से हम ब्यूटी ब्लेंडर को भी प्रेप करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बोल या फिर किसी भी बर्तन में पानी जिसमें ये डूब जाए। तो हमको इसको कुछ इस तरीके से 30 से 40 सेकंड तक डुबा के रखना है। डूबने के बाद ये इस तरीके से फूल जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाता है। तो आपको इसको अच्छे से इस तरीके से निचोड़ लेना है, बहुत हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फूल जाता है, और इसके बाद आपको अभी भी यूज नहीं करना है इसको। एक कोई भी क्लीन कपड़ा ले लीजिए, चाहे टॉवल हो गया, क्लीन होना चाहिए, उसको इसमें रखना है और ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करना है। क्योंकि जब हम इसको निचोड़ते हैं तो इसका सारा पानी नहीं निकलता है, तो ऐसे किसी टॉवल से हमको इसको ड्राई करना है। तो अब इसमें कोई भी पानी नहीं बचा, अब ये यूज के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इससे फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से वो ब्लेंड होगा। अगर हम ड्राई ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, वो पैचेस कुछ रह जाते हैं फेस पे। तो अभी हमने बात की कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले प्रेप कैसे करें, अब हम बात करेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज कैसे करें। तो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करते हैं, चाहे आप कंसीलर के लिए यूज करते हैं, चाहे आप फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो आपको ब्यूटी ब्लेंडर में नहीं लगाना है, वो आपको अपने फेस पे लगाना है, और उसके बाद आपको ऐसे ऐसे डैब डैब करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप चाहे फाउंडेशन है या कंसीलर है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं वो फेस पे लगा लेंगे। इसको यूज करने का सही तरीका है कि आपको ऐसे डैब डैब करना है। ब्यूटी ब्लेंडर है, इसमें जो ये ऊपर वाला ये जो पतला वाला पार्ट होता है, आपको ये आईज के नीचे और आईज के ऊपर यहाँ पे यूज करना है, और बाकी का जो ये नीचे वाला पार्ट है पूरा, इसको आप ऐसे पूरे फेस पे यूज कर सकते हैं। डैबिंग से प्रोडक्ट स्किन पे अच्छे से ब्लेंड होता है और वो एकदम स्किन जैसा लगता है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से रगड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट होता है वो ब्लेंड नहीं होता अच्छे से, वो स्किन पे कहीं पे लगा रहता है, कहीं पे नहीं लगता। और अगर आप ऐसे डैब डैब करके इसको यूज करते हैं तो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको ऐसे ऐसे डैबिंग करनी है अच्छे से, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। अभी बात हो गई ब्यूटी ब्लेंडर को प्रेप कैसे करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर को यूज कैसे करते हैं, अब बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को रखना कैसे है। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर को रखना कैसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर जब हम यूज करते हैं तो यूज करने से पहले, क्योंकि हमने इसे काफी वेट किया होता है और ड्राई भी कर लिया होता है टॉवल से, लेकिन ये फिर भी ये काफी सॉफ्ट होता है और ये गीला ही रहता है। क्योंकि अगर आप गीले ब्यूटी ब्लेंडर को बॉक्स में पैक कर देंगे तो इसमें फंगस लग जाएगी, और फंगस लगने के बाद ये हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। और कुछ ऐसी फंगस होती है जो हमें नेक्स्ट टाइम जब हम यूज करते हैं तो उस समय हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम इसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने के बाद या तो इसे क्लीन कीजिए, क्लीन करने के बाद आप इसको ड्राई होने दीजिए, उसी के बाद आप इसको पैक करके रखिए।
तो अब बात करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन कैसे करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू क्लीन मेकअप ब्रशेस, तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे उस दूंगी। तरीके से भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही कोई भी आप बाउल ले लीजिए और उसमें आप कोई भी डिश वॉश डालिए, बेबी शैम्पू डालिए और उसमें 1 मिनट तक इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको 2-3 बार पानी, साफ पानी से धो लीजिए तो ये क्लीन हो जाता है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें गीलापन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ही आप इसे किसी बॉक्स में पैक करके रखिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।